नमस्कार, मैं एडवोकेट सौरभ कुणाल, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम चर्चा करते हैं बहुत सारे लीगल और फाइनेंशियल इश्यूज को। तो मित्रों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पेनल कोड का सेक्शन 44, जिसमें इंजुरी यानी कि क्षति इस शब्द की व्याख्या की गई है। तो क्षति जिसे आमतौर पर समाज में चोट से जोड़ा जाता है, जब किसी के व्यक्ति के शरीर पर कोई चोट पहुंचती है तो उसे क्षति माना जाता है। जबकि भारतीय दंड संहिता में इस शब्द क्षति का दायरा और बढ़ाया गया है। इस दायरे में और क्या क्या चीज़ें आती हैं, हम इस जानेंगे आज के इस वीडियो में। साथ ही इसे उदाहरण सहित इसका विश्लेषण भी करेंगे। तो सेक्शन 44 का आज पूरा इस वीडियो में विश्लेषण होने वाला। तो विश्लेषण इस विषय को शुरू करने के पहले मित्रों, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगर आप इस वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन जरूर दबा दें, ताकि आपको इस चैनल के जितने भी अपडेट्स हैं आप तक नोटिफिकेशन में पहुंच जाए। और साथ में मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि आप एक बार हमारे YouTube चैनल के पेज को जरूर विजिट करें, वहाँ पे बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं। ये प्लेलिस्ट CRPC, IPC, लीगल ड्राफ्टिंग और भी बहुत सारे इश्यूज़ पे हैं, और ये दोनों ही भाषा यानी कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में सेपरेटली बनाए गए हैं। तो आप हमारे प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के शब्द यानी कि इंजुरी। सेक्शन 44 में इंजुरी को एक्सप्लेन किया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बेयर एक्ट में इंजुरी को किस तरह से एक्सप्लेन किया गया, और फिर हम इस आगे इसकी व्याख्या करेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे। तो देखते हैं सेक्शन 44 में क्या लिखा हुआ। सेक्शन 44 भारतीय दंड संहिता की धारा 44 यानी कि सेक्शन 44 में यह लिखा है कि इंजुरी, द वर्ड इंजुरी डिनोट्स एनी हार्म वाट एवर इलीगली कॉज टू एनी पर्सन इन बॉडी माइंड रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। तो आम धारणा है कि जब भी कोई क्षति होती है, जिसे चोट आमतौर पर जिसे चोट माना जाता है, तो वो शरीर में ही हो सकती है। जबकि जो सेक्शन 44 है इंडियन पेनल कोड का, वो इसके दायरे को और बढ़ाता है। वो कहता है कि ये क्षति सिर्फ शरीर में ही नहीं बल्कि ये मन में भी हो सकता है या किसी के ख्याति यानी कि रेपुटेशन में भी हो सकता है। तो जब कोई क्षति किसी के शरीर पर होती है या उसके मन में होती है या उसके ख्याति में होती है या उसके संपत्ति में होती है, तो ये सारी चीज़ें क्षति यानी कि इंजुरी में जोड़ा जाता है। तो इसका आगे आने वाले कई सेक्शन में इसको ये टर्म को जानना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि इसका इस्तेमाल हुआ। तो इसलिए सेक्शन 44 ऑफ द इंडियन पेनल कोड पे ये वीडियो था। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक कर दीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों और मित्रों के बीच में शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।